हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे आइडिया जिससे कि फटे पुराने वेस्ट कपड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और प्यारे प्यारे मैट्रेस आप घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं। इस तरह के दो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए ये पुरानी बेडशीट मैंने ली है, ये डबल बेड की बेडशीट है मेरी, तो हाफ पीस मैंने इसमें से कट कर लिया है। तो इसके जगह आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी साड़ी दुपट्टों का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, आप उसमें लाइनिंग अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह का ये पीस मैंने कट कर लिया है, आप छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग पीस कट कर सकते हैं। तो इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखी है और बराबर करके इन पीस को हमने इस तरह से रख लिया है। तो नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं हमारी खुली वाली साइड है और ये हमारी बंद वाली साइड है। तो ये जो खुली वाली साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सीधी सीधी दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही पीसेस को अच्छे से पकड़ते हुए इनमें बराबर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे दोनों ही साइड। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से, सीधी सीधी इस साइड भी लगाई है और इस साइड भी। तो इस तरह से ही हमारा पीस पूरा बंद हो चुका है। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की साइड निकालेंगे। तो एक थैली जैसा हमारा ये पीस बनके रेडी हो गया है। तो अभी हमें फिल करना है जो भी हमारे पास वेस्ट कतरन है सिलाई से बची हुई, या फिर वेस्ट कपड़े हैं, या फिर पुरानी कॉटन है, फॉर्म वगैरह है, तो उनको हम इसमें फिल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें मार्क करेंगे। तो मार्क करने के लिए हम इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 9 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, फिर से 9 इंच पे निशान लगाएंगे और हम फिर से इस पर 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने ये 9 इंच पे निशान लगाए हैं। आप कम भी कर सकते हैं और छोटे छोटे बॉक्सेस आप इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए हमने 2 इंच चीज को छोड़ दिया है और जो ये हम निशान लगाए इन पे सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको छोटे साइज़ के बॉक्सेस बनाने हैं तो आप इनमें 3 या 4 या 5 तक आप इसमें बॉक्सेस बना कर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉक्सेस बन के रेडी हो गए हैं। तो 2 इंच हमने इसमें मार्जिन के लिए छोड़ा है, हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो अभी हम इन निशानों पे जितने भी निशान लगाए इन पे हमने लाइनें ड्रॉ की, इन पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से सीधे सीधे। तो सारी लाइनों पे हमें इसी तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पीस हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से हमने सीधे सीधे इसमें सिलाई लगा ली है और इस तरह के बॉक्सेस हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो अभी हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। तो जितने भी हमारे पास वेस्ट कपड़े हैं, सिलाई से बची हुई कतरन है या पुरानी कॉटन है, तो हम उनको इसमें फिल करेंगे। तो हमारे पास जो वेस्ट कपड़े हैं उनको हम इस फर्स्ट बॉक्स से शुरुआत करते हुए इस तरह से फिल करेंगे। तो अच्छे से दबा दबा के हमें इनको फिल करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फर्स्ट बॉक्स जो है फिल कर लिया है। इसी तरह से हमें सारे बॉक्सेस को फिल करना है। तो आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस हमारे फिल हो चुके हैं, अच्छे से दबा दबा के हमने इनको फिल किया है। तो अभी हमें क्या करना है, अंदर की साइड इसको फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो जो 2 इंच हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था, तो इस तरह से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सुई और धागे की मदद से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो आप इसमें जो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सुई और धागे की मदद से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो अच्छे से बॉक्सेस को हमने दबा दबा के फिल किया है। आप इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस भी बना कर रेडी कर सकते हैं और इस तरह से आप घर में ही मैट्रेस बना कर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मैट्रेस है बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं दूसरे आइडियाज़ की ओर। तो इसके लिए जो बेडशीट से बचा हुआ पीस था हमारा, वो हमने ले लिया है
और आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा पीस ले सकते हैं, जितने भी साइज़ का आपको मैट्रेस बनाना है। तो इस तरह से जो बचा हुआ पीस है वो हमने इस तरह से लिया है और इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और सीधी साइड हमें रखनी है अंदर की साइड, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से इस पीस को हमने रख लिया है। तो सीधी साइड है वो हमारी अंदर की साइड रहनी चाहिए और जो उल्टी वाली साइड है वो हमारी बाहर की साइड रहनी चाहिए। तो इस तरह से इस पीस को हमने रख लिया है। अभी हमें दोनों साइड इसमें सिलाई लगानी है, जो कि खुली वाली साइड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे सिलाई और दूसरी वाली साइड पर हमें इस तरह से खुली वाली साइड में सिलाई लगानी है। तो जितनी भी साइज़ का आप मैट्रेस बनाकर रेडी करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पीस कट करना है। जैसे कि आप छोटी साइज़ का बना रहे हैं तो आप छोटी साइज़ का पीस कट करिएगा। तो इस तरह से अभी हमें खुली वाली दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम अच्छे से दोनों और पीसेस को पकड़ते हुए सीधे सीधे दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों खुली वाली साइड हमने इस तरह से सीधे सीधे इसमें सिलाई लगा ली है। तो अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपको सीधा करना है तो आप सीधा करके भी इसको फिल कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सीधा नहीं करना है। इस तरह से हम इस पीस को रख लेंगे और जितने भी हमारे पास वेस्ट कपड़े हैं उन सबको इसमें हम कवर कर देंगे पूरे पे, यानी कि हमारे जो कपड़े हैं वो बाहर की साइड नहीं निकलने चाहिए। इस पूरे पीस पे हम जितने भी हमारे पास वेस्ट कपड़े हैं उन सबको हम इसमें कवर कर देंगे बराबर से। तो आप इस तरह भी इनको सीधा कर सकते हैं या फिर इस तरह से हम इस पूरे पीस को सीधा कर लेंगे पहले और पूरा इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो ये हमारा एक थैली जैसे बन के रेडी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इस पीस में हमें जो वेस्ट कपड़े हैं उनको फिल करना है। तो ये हमारे पास जो फटे पुराने वेस्ट कपड़े हैं या फिर सिलाई से बची हुई जो कतरने हैं या फिर जो पुरानी कॉटन है उनको भी हम इस तरह से इसमें फिल कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने बता दिए आपको इसको फिल करने के, तो दोनों ही तरीके इजी हैं, आप किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े हमने इसमें फिल कर लिए हैं। तो इस तरह से अच्छे से कपड़ों को फिल करने के बाद इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे सारे कपड़ों को। तो अच्छे से जब हमारे कपड़े सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे कपड़े इसमें फिल कर लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ऊपर की साइड हमें हाफ इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो सुई और धागे की मदद से इस तरह से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम इसमें सुई और धागे की मदद से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो इस तरह से कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इस तरह से आगे की साइड से हम अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा के इसको पूरा तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमें इसको बंद करना है। अभी हमें क्या करना है, इसमें लाइनें ड्रॉ करनी है। उसके लिए आप छोटे साइज़ की लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं और बड़े साइज़ की भी। तो इस तरह से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह से हम लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो 4 इंच की हमें लाइनें ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो बस इसी तरह से सारी लाइनों को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी लाइनें हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं। तो अभी जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ करी हैं इन पे हम सुई और धागे की मदद से इस तरह से टक्स लगाते जाएंगे, छोटे छोटे टक्स लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें फर्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसको हम इस तरह से स्टिच लगाते हुए इसको पूरा हम सिलाई से फिनिश करेंगे। Thank you.
तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली है। बस इसी तरह से हमने सेकंड लाइन भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए फिनिश करनी है। तो सारी लाइनों को हम इसी तरह से सुई और धागे की मदद से स्टिच लगाते हुए फिनिश करेंगे। तो तीन लाइनें हमारी पूरी फिनिश हो चुकी हैं, इसी तरह से हम पूरे को फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारी लाइनों पर हमने सुई और धागे की मदद से सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारा जो मैट्रेस है वो बनके रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप घर में ही गद्दा मैट्रेस बना कर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और हमारा जो वेस्ट कपड़े हैं वो भी कितनी अच्छी तरह से काम आ गए हैं और हमारा जो मैट्रेस है वो भी बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका बताया है मैंने आपको मैट्रेस बनाने का। तो इस तरह से आप भी घर में मैट्रेस बना कर रेडी कर सकते हैं और जितने भी वेस्ट फटे पुराने कपड़े हैं उनको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें घर में ही बना कर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, दोनों आइडियाज़ में आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।